नमस्कार, हेल्दी एंड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार में 4 बड़ा चम्मच उबले हुए कॉर्न को लिया है। इसमें 1 कप पानी डालकर इसे मोटा दरदरा कुछ इस तरह का इसे पीस लेंगे। इसका ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इन चीज़ों को थोड़ा सा सौते करना है। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेट की हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन दोनों चीज़ों को डालकर इसे थोड़ी देर सौते करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसी समय हम इसमें पिसे हुए कॉर्न को ऐड करेंगे। सूप को कितना गाढ़ा और पतला रखना है उसी अनुसार इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सूप में टेस्ट आता है। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब सूप को हमें मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाना है। अब सूप को पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है। सूप अच्छे से पक चुका है और इसकी सब्जियां भी अंदर अच्छे से पक चुकी हैं, तो इसे अब हम गरम गरम ही सर्व करेंगे। कॉर्न सूप बनाना तो आसान है ही, साथ में बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इसे आप बच्चे बड़े सबको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।